वैसे तो लाहिड़ी महाशय का जीवन असाधारण चमत्कारों से घिरा हुआ था। आज हम आपको ऐसे ही एक चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं। सर, आप दुखी लगते हैं, क्या बात है? एक दिन सुबह लाहिड़ी महाशय ने अपने सुपरिटेंडेंट से पूछा। सुपरिटेंडेंट ने कहा, इंग्लैंड में मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। लाहिड़ी महाशय कहते हैं, मैं आपको कुछ समाचार ला देता हूं। और ऐसा कहते हुए लाहिड़ी महाशय वहां से चले गए और एकांत स्थान में जाकर कुछ देर बैठे रहे। लाहिड़ी महाशय जब वापस आए तो मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने सुपरिटेंडेंट से कहा, आपकी पत्नी की हालत सुधर रही है, अभी वे आपको पत्र लिख रही हैं। सर्वज्ञ योगीवर लाहिड़ी महाशय ने पत्र के कुछ अंश सुपरिटेंडेंट को भी सुना दिए। सुपरिटेंडेंट ने जब इन शब्दों को सुना तो उन्होंने लाहिड़ी महाशय को कहा, आनंदमग्न बाबू, इतना तो मैं पहले ही जान गया हूँ कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आप अपनी इच्छा मात्र से ही देश और काल की सीमाओं को मिटा सकते हैं। कुछ दिनों बाद पत्नी द्वारा लिखा वह पत्र आ पहुंचा। पत्र देखकर सुपरिटेंडेंट चकित रह गया, न कि केवल उसकी पत्नी के अच्छे स्वास्थ्य होने का शुभ समाचार था, बल्कि उन्हीं शब्दों में वह वाक्य भी थे जो महान गुरु लाहिड़ी महाशय ने कई सप्ताह पूर्व सुपरिटेंडेंट को सुनाए थे। कुछ महीनों बाद पत्नी भी भारत आ गई और जब उसकी लाहिड़ी महाशय से मुलाकात हुई तो वह श्रद्धा और आदर के साथ उन्हें देखती ही रही और फिर बोली, सर, महीनों पहले लंदन में अपनी रुग्णशया के पास प्रकाश में मैंने आपको ही देखा था। उसी क्षण में पूर्ण स्वस्थ हो गई और थोड़े ही दिन बाद भारत की लंबी समुद्र यात्रा करने में समर्थ हो गई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखें ताकि हम इस प्रकार के तथ्य लाते रहे और सनातन संस्कृति को विश्व में प्रचलित करें।